नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सुनाम के राधा अस्पताल में संगरूर बरनाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। मुख्य सरगना और राधा अस्पताल की संचालिका सहित चार लोगों को किया गिरफ्तार। अमृतसर के थाना विजयनगर की पुलिस ने न्यूट्री कुलचे की दुकान के मालिक पर गोली चलाने वाले दो आरोपियों को किया काबू। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल किया बरामद। ढिलवां पुलिस ने चंडियाला गुरु के नजदीक ब्यास दरिया की स्थिति का लिया जायजा। दरिया किनारे रहते गुज्जर परिवारों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। और अब हलचल विस्तार से। कानून की आंखों में लगातार धूल चौंकता आ रहा भ्रूण हत्या का कथित मुख्य आरोपी संगरूर बरनाला स्वास्थ्य विभाग की स्टेट स्वास्थ्य टीम के कड़े प्रयास के चलते सुनाम में राधा हॉस्पिटल में रंगे हाथ पकड़ा गया। स्वास्थ्य विभाग ने नकली मरीज तैयार कर उसको 32,000 रुपये में भ्रूण लिंग जांच करवाने के लिए राधा अस्पताल सुनाम भेजा और कथित आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। रेड के इंचार्ज डॉक्टर जसवीर औलख सिविल सर्जन बरनाला ने मीडिया को बताया कि संगरूर बरनाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम नगर में रेड कर भ्रूण लिंग जांच करने का मुख्य सरगना मलकीत सिंह और राधा अस्पताल सुनाम की संचालिका सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि भ्रूण जांच करवाने आई एक महिला का पति फरार हो गया। इस रेड में राज्य स्वास्थ्य विभाग की टीम भी शामिल थी। पकड़े गए कथित आरोपी के कारनामों का खुलासा करते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बताया कि आरोपी राह चलते कार में भी भ्रूण जांच कर देता था। उन्होंने बताया कि आरोपी फतेहाबाद कैथल और अंबाला की टीम द्वारा भी गिरफ्तार हो चुका था और हरियाणा में उसके खिलाफ 10 FIR दर्ज है। पकड़े गए मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों के खिलाफ PNDT एक्ट के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है और गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जिदे कोले पोर्टेबल गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड मशीन है ते ओ सेक्स टर्मिनेशन लिंग निर्धारण दा टेस्ट कम करता है। उहदे लई फिर असी एक अपना नकली मरीज बना के डिकॉय पेशेंट बना के उन्हूं प्रिपेयर किया। असी रात दे मेहनत कर रहे सी इत्थे ते सवेरे असी डॉक्टर साहब नूं सिविल सर्जन मैडम संगरूर नूं इन्हां नाल कंटैक्ट किया, अपने डायरैक्टर मैडम नाल कंटैक्ट किया ते अज उहनूं रंगे हत्थीं असी फड़ लिया। जिहड़े असी पैसे दित्ते सी उस पेशेंट नूं 32,000 रुपया सी, उह वी रिकवर कीता है ते नाल दो मरीज होर आए हुए सीगे जिहड़े इही काम लई आए हुए सी, उन्हां दे वी असी अल्ट्रासाउंड करा के अगली कार्रवाई। नहीं देखो, लगता भी बंदा नोटोरियस है, बल्कि सानूं हरियाणे दे विच वी इहदे खिलाफ़ 10 FIR नहीं है। असी पंजाब दे विचों वी जे इहदे खिलाफ़ कोई FIR उह कुछ कर रहे मिल जाण, उह सारा पलंदा बना के असी पुलिस नूं नहीं, अजे सानूं कोई भरूण नहीं मिलिया। बाकी असी पुलिस नूं रिक्वेस्ट कीती है कि जिहड़े दोषी ने इन्हां नूं चंगी तरह इंटरोगेट करके इन्हां तों सारा सच अगलाया जावे। मैनूं इह नहीं पता, इक अहमदगढ़ ते धूरी इह पता लग्गिया गया। बाकी असी स्टेट अथॉरिटी नूं कहा क्योंकि सारी FIR उहनां कोल भी हुंदी है ते मैं SSP साहब नूं बेनती कीती है वी इह तों पता कीता जावे। जिहड़ियां हरियाणे 'च FIR ने उह साडे कोल आ चुकी है। साडे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट वल्लों, डायरैक्टर ऑफिस वल्लों, डिस्ट्रिक्ट बरनाला वल्लों, सिविल सर्जन वल्लों ते साडे वल्लों सारे जॉइंट रेड कीती गई है। रंगे हाथों एक बंदा काफ़ी नोटोरियस है, काफ़ी देर तो परेशान सी असी इस नूं इहदी भाल सीगी ते उह पकड़िया गया है। बड़ा अचीवमेंट है साडे लई डिपार्टमेंट वल्लों ते बाकी FIR वगैरह करी जाएगी इहदे अगेंस्ट लॉन्च ते पूरा प्रॉपर केस जो PCPNDT अंडर अमृतसर के विजयनगर की गली नंबर 3 में गत दिनों न्यूट्री कुलचे की दुकान के मालिक ऋषि सेठ पर तीन अज्ञात नौजवानों द्वारा गोलियां चला दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी विजयनगर की पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ACP वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान वरिंदर सिंह उर्फ बंटी और जगमोहन सिंह निवासी मुस्तफाबाद बटाला रोड अमृतसर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि आरोपी वरिंदर सिंह को संदेह था कि उसकी पत्नी के शिकायतकर्ता ऋषि सेठ के साथ संबंध है, जिसकी रंजिश रखते हुए आरोपी की ओर से इस वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इनका तीसरा साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सदर विखे
ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਠ ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਪੀ ਨਿਊਟਰੀ ਕੁਲਚਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੋਈ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਅੰਨੇ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲੱਤੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 307 109 120 ਵੀ 34 ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ 2527 ਆਮ ਜਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸੰਧੂ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਠ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸਨੇ 3 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੂਟਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਬਿੱਲਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਗਮੋਹਨ ਉਰਫ ਜੱਗੂ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਸਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿੱਲਾ ਵਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਠ ਜਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਕੀ ਆਮਦ ਬੜਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਗੋ ਮੇ ਡਰ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਢਿਲਵਾ ਕੇ SHO ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਸ਼ਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਕੇ ਸਾਥ ਮੰਡ ਕਸ਼ੇਤਰ ਕਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਆ ਕਿ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟੋ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਆਸ ਮੇ ਬੜ ਰਹਾ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਗੋ ਕੋ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ उन्होंने बताया कि इस दौरान दरिया के किनारे रहते गुज्जर परिवारों को परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है क्योंकि लगातार ब्यास दरिया में बढ़ रहे पानी से स्थिति तनावपूर्ण है उन्होंने बताया कि थाना ढिलवा और कपूरथला के अधीन ब्यास दरिया के साथ लगते लगभग 25 से 30 गाँवों में लगातार पुलिस पार्टियों की ओर से निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट स्थिति अजय फिलहाल नाजुक भी है तो नहीं भी है पर असी अपने तौर पर साढ़े जो मानयोग SSP साहब तो पंजाब सरकार के हदायतों से जोड़े लोग रेस्क्यू करने वाले आ उन्होंने सचेत कर दिता समय तो पहले ही कर दिता से उन्होंने जोड़े कुछ अजय बैठे उन्होंने भी असी अवेयर कर दिता कि खतरा हैगा ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ ਆਸ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਮੰਡ ਦੇ ਮੰਡ ਏਰੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਢਲਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਢਲਵਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਚੱਕੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਪੁਰ ਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਡ ਸੰਗੋਜਲਾ ਬੰਨਾਮਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਜ਼ਿਆਦਾ 25-15-20 ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ प्रसिद्ध पंजाबी गायक अमर संधू जालंधर के मशहूर कुल्लड़ पिज़्ज़ा में पहुंचे जहां पर कुल्लड़ पिज़्ज़ा के मालिकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया इस मौके पर गायक अमर संधू ने कुल्लड़ पिज़्ज़ा की प्रशंसा की और कहा कि यहां पर खाने पीने के सामान काफ़ी साफ और स्वच्छ के अलावा वाजिब दामों पर मिलता है इस अवसर पर अमर संधू ने कुल्लड़ पिज़्ज़ा पर कई चीज़ों को खुद भी तैयार किया इस दौरान कुल्लड़ पिज़्ज़ा के मालिक सहज और गुरप्रीत कौर ने अमर संधू का कुल्लड़ पिज़्ज़ा में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट नहीं कि जिन्ना किता देवा तेनू मोड़ के मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती हो सच्ची रब्बी अगे दोवें हाथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सहिंदा अपने जो दिलां च लको गया बेबे तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया तू सैकलां ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया ਅਤੇ ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ
बहुत सफल रहा साडा प्रोग्राम ते बापू तेरे करके तुहानू पता ही सारे बहुत प्यार करदे आ ते मैं सारयां दा जिन्ना थैंक्स करां उन्ना घट्ट है ना क्योंकि तुहाडे दिलां च वसदा मैनू पता गाणा ते मैं हमेशा तुहाडा थैंक्स करदा थैंक यू सो मच हाँ जी ते साडे कुल्लड़ पिज़्ज़ा वाले भरा ते भरजाई बहुत बहुत प्यारे है ना पहली गल तां आप बड़े प्यारे ने ते उस तों बाद बहुत ज़्यादा वायरल है ना तो मेरे वालों इन्हों सच्ची बहुत सारा प्यार है तो बहुत सारिया ब्लैसिंग्स भी ने ते कुछ टाइम च ही मेरे ख्याल इन्होंने इन्ना क वड्डा नाम कमा लिया है ना इन्ना क वधिया लोगों च अठ साल हो गया अच्छा मेहनत कर दे अठ साल ये पता की गल है लोगों एक बार ए लगता भी ये मिनट च आ गया ना अगे पर पिछले मेहनत बहुत होंगी सीरीयसली हरेक कोई भी फील्ड ला लो तुम है ना भावें कोई आर्टिस्ट या ये भी आर्टिस्ट काम है ना आर्टिस्ट वाला काम भी है कोई भी फील्ड है तो कोई जॉब करते हैं तो पहला बहुत मेहनत होंगी है तो वो रंग जो लिया है तो लोगों ए लगता भी ये एकदम आ गए है ना अगे तो पर उन्होंने पिछले जी मेहनत होंगी है वो उन्होंने पता होंगी है जो करते हैं है ना सो मैं सची इन्हों यार सलाह योग इन्हों की मेहनत है ना तो बड़ा वधिया नाम मतलब जलंधर के जलंधर की यार ऑल ओवर पंजाब वर्ल्ड के है ना बाहरले मुल्कों भी भरा होने साडे फेमस ने तो मैं इन्हों की पॉजिटिविटी बड़ी वधिया लगती है भी आपस कट्ठे रल के काम करते हैं है ना तो बड़े ही पॉजिटिव आदो नहीं तो मैं देखता ना थोड़ी वीडियोज़ अज मैं होर स्क्रॉल करके देखता पाया है ना तो मतलब सारिया वीडियोज़ के असं इकट्ठे काम करते हैं है ना तो कदे पिज़्ज़ा कदे कॉर्न थानू कॉर्न नहीं पसंद है ना जी तो बहुत वधिया मतलब ऑल ओवर बहुत वधिया कॉम्बीनेशन है दोनों का है ना तो प्लस थानू फूड बड़ा वधिया सर्व कर रहे सारा है ना बड़ा क्वालिटी वाला फूड आ सारा भी कोई बिच मतलब कुछ भी मिलावट नहीं है या कुछ नहीं है भी थोड़ी हैल्थ नाल पूरा कॉम्प्रोमाइज नहीं है हैल्थ नाल है ना ऑलरेडी बहुत वड्डा नाम भी हो चुका है कपल मैं तो कपल के नाम तो ज़्यादा है ना कुल्लड़ पिज़्ज़ा कपल तो वो चीज़ तो ही वैसे वीरे का नाम सहज आ भरजाई साढ़े का नाम है गुरप्रीत कौर है ना तो मतलब वो नाम मेरे ख्याल लोगों को हाले घट पता है भी वो कपल जो थोड़ा टैग आ है ना सो बहुत बहुत वधिया गल आ बहुत सारे फिर ऑब्वियसली गल आ भी आर्टिस्ट जरूर आते हैं भी जो अपनी किसी चीज़ की प्रमोशन करनी होंगी है या है ना कोई फिल्म की प्रमोशन करनी होंगी है तो जरूर देखो सारे का यह चेन सिस्टम है ना मैं सब तो वीडी इस चीज़ की बड़ी खुशी होंगी है कि जो साढ़े पंजाब के जो आर्टिस्ट जिन्होंने यूथ पूरा फॉलो करता है एंड जो एक पंजाबी भरा पंजाबी भरा के खड़ा होंगे ना तो बहुत वधिया होंगे क्योंकि अजकल ना तुम्हें पता है कि जो ना एक बंदा अगे वधदा ना तो उन्होंने सपोर्ट में रोकने वाले बहुत आते हैं पर जो कोई पंजाबी पंजाबी भरा के खड़ जाए उस तो वीडी कोई कहें ना शक्ति नहीं होंगी कोई पावर नहीं है जो दो भरा आपस खड़े हो जाए उत्तों होन पंजाबी तो कहें वह कोई अंत नहीं है उस पावर का तो मैंने इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई है कि वीर जी उन्हें आए तो मैं बड़ा थैंकफुल हाँ कि इन्होंने आके इतने प्यार बख्शे इन्हों का गाना मैंने लगता है कि इंडिया च नहीं बाहरले मुल्कों च भी बहुत ज़्यादा फेमस हो बापू तेरे करके सो वो गाना मतलब टाइम बहुत हो गया उस गाने आए बट वो अज भी लोगों की जुबान से इतना रटिया हुआ ना कि मतलब कदम भी अपने फादर को डेडिकेट करना हो ही गाना चलता है लोग तो मदर भी करते हैं असं अपनी मदरस में करते हैं ये गाना डेडिकेट सो बहुत वधिया लग्या भाजी उन्हें अज आए और इतने विजिट किया कुल्लड़ पिज़्ज़ा बस हूँ इन्हों कुल्लड़ पिज़्ज़ा खवावे तो इन्हों रिव्यू उन्होंने लवेंगे कि उन्होंने किदा का लगे तनिष्क की और से जालंधर के मॉडल टाउन स्थित अपने शोरूम में तनिष्क की नई ज्वेलरी टेल्स ऑफ मिस्टिक की लॉन्चिंग की गई इस दौरान मॉडल्स की ओर से रैंप वॉक कर ज्वेलरी कलेक्शन को दर्शाया गया इस दौरान आए हुए सम्मानजनक ग्राहकों को तंबोला सहित अन्य फन गेम्स भी खिलाई गई जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया इस मौके पर एरिया बिजनेस मैनेजर सौरभ रीजनल कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर फैजान ने आए हुए सभी मेहमानों व ग्राहकों को तनिष्क की नई ज्वेलरी की खूबियों व उस पर दिए जा रहे लाभों के बारे में जानकारी भी दी इस दौरान उन्होंने बताया कि 27 जुलाई से तनिष्क की ओर से डायमंड ज्वेलरी पर विशेष ग्राहकों के लिए एडिशनल डिस्काउंट्स देने की ऑफर शुरू की जा रही है जिसका विशेष ग्राहक लाभ उठा सकते हैं इस मौके पर शोरूम के सभी स्टाफ सदस्य भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट आप लोग अपना इतना इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम निकालकर आज हमारे साथ यहां पर इकट्ठा हुए हैं तनिष्क के बारे में आप जैसे जानते हैं तनिष्क इज द मोस्ट लव्ड वन ज्वेलरी ब्रांड ऑफ इंडिया 1994 में तनिष्क स्टार्ट हुआ और आज ऑल ओवर इंडिया 440 स्टोर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है और तनिष्क इज नोन फॉर इट्स क्राफ्टमैनशिप इंटीरियर डिजाइनिंग एंड स्पेशली द डायमंड क्वालिटी
जलंधर तनिष्क की हम लोग बात करते हैं, 2001 में जलंधर तनिष्क स्टोर ओपन हुआ और आज 2023 में हम लोग हैं। तो 22 साल की जो जर्नी है वो आप लोगों के सपोर्ट के बिना इनकम्प्लीट है। सो आई थैंक यू ऑल अपने सपोर्ट के लिए, अपने प्यार के लिए जो आपने जलंधर तनिष्क को दिया है, थैंक यू सो मच। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू कलेक्शन। प्यारी कलेक्शन है इनकी और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी यहाँ आए।
जालंधर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित चोपड़ा एवं पिम्स मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा बांसल ने वर्ल्ड सीपीआर डे पर आयोजित सेमिनार में संयुक्त रूप से विचार साझा करते हुए बताया कि सीपीआर यानी कार्डियो प्लमोनरी रेसिसिटेशन ये एक एमरजेंसी मेडिकल तकनीक है जिसके जरिए किसी व्यक्ति की सांस या दिल के रुक जाने पर उसकी जान बचाई जा सकती है। जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद कर देता है तो उसे कार्डियक अरेस्ट होता है। मानव जीवन अनमोल है और हर कोई अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना चाहता है। ये हमारी देखभाल, खान पान और जीवन शैली पर निर्भर करता है। एक चौंकाने वाली घटना के दौरान जीवन बचाने में असमर्थ एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन यदि हम बेसिक लाइफ सपोर्ट सीपीआर को सीखना चाहते हैं तो हम संभवतः किसी जीवन को बचा भी सकते हैं। इसलिए हमारे समाज में हर व्यक्ति को बेसिक लाइफ सपोर्ट की शिक्षा लेने की अति आवश्यकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित चोपड़ा। आज आप थोड़े सम्मुख हुए हैं क्योंकि सीपीआर डे हैगा वह जो कि इंटरनेशनली मनाया जाता है वह, तो साड़ी जलंधर अकैडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स मतलब धूमधाम ना मनाया जाएगा। असं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है लाइक स्कूल के एजुकेशन प्रोग्राम सेंसिटाइज करना है, तो बाकी आप नर्सिंग स्टाफ में तो कॉमन मैन भी जोड़े आम जनता उन्होंने भी आप सेंसिटाइज करना है, तो साढ़े काफ़ी डॉक्टर्स इस चीज़ एक्टिविटीज़ में करेंगे। तो बाकी साढ़े नाल अच्छे डॉक्टर अनुराधा बंसल है जो कि नैशनल बी आर एस इंस्ट्रक्टर ने, तो मैं बाकी अगर उन्होंने कहूँगा कि इस गल पर चानना पा कि होंगे क्यों लोड़ है यदि क्यों ये नैशनल जी साड़ी बॉडी है इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है कि इस चीज़ को अपन अगे लैके आना चाहिए तो सारे इनवॉल्व करना चाहिए। नमस्कार, बी एल एस होंगे बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसका मतलब है कि जो इंसान की धड़कन रुक जाती है तो असं उन्होंने उपरों सपोर्ट करके चलाने की कोशिश करते हैं। तुम बहुत बार सुनिया होगा होएगा कि किसी स्टेज पर किसी परसनैलिटी को एकदम धड़कन रुक गई, फिर उन्हें सपोर्ट नहीं मिले तो अनफॉर्चुनेटली वो गुजर गए। जे उन्होंने उस समय कोई नाल खड़ा खड़ा बंदा सी पी आर या बी एल एस दे दिता है तो उस बंदे दे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। एक मिनट की देरी भी 17% चांस घटा दें कि बंदे दे बचने के चांसेस होंगे। इस करके सिर्फ डॉक्टर्स से नर्सिस नहीं हर बंदे बी एल एस आना चाहिए। बी एल एस के बहुता कुछ नहीं करना होंगे, बस सब तो पहला देखना है कि धड़कन रुकी हुई है, जे रुकी हुई है तो असी चेस्ट कंप्रेशन यानी छाती से दबाव पा के चलाने की कोशिश करनी होती है। हर बंदा जो एडल्ट है या टीनेजर है इन्हू सीख सकता है। ये वास्ते सानू सिर्फ तीन चीज़ा चाहिदियां ने, तुहाडा हेड जिहदे से तुहानू पता होवे कि किद्दां कर सकते हैं, तुहाडा हार्ट तुहाडी विल पावर टू डू दिस थिंग, एंड तुहाडे हैंड जिहदे नाल तुसीं चेस्ट कंप्रेशन देंदे हो दिल की धड़कन चलाने वास्ते। 22 तरीक नूं पिम्स च ए बी एल एस कोर्स हो रहा है जो कि आम जनता लिए हो रहा है, तो जो किसी ने रजिस्टर करना है तो ट्रिनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाजवंती अस्पताल की दूजी मंजिल से है, तो उसका नंबर फोन नंबर लिख लो, जो किसी ने फोन से रजिस्टर करना है फोन से भी हेल्प की जाएगी। नंबर है 0181530038 0181500888। तो किसी ने भी रजिस्टर करना हो कल शाम तक कॉल कर ले तो उन्होंने आप रजिस्टर करवा दें। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक करवाए जा रहे 40 दिवसीय श्री तुलसीदास जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अगुवाई में श्री देवी तालाब मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर संकीर्तन का संचार करते हुए जालंधर के संत नगर स्थित परवेश कुमार के निवास स्थान पर संपन्न हुई। इस मौके पर पंकज ढल्ला, राधा रानी, रमा रानी, राधिका अरोड़ा, सुरेश सहित सभी पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर प्रभात फेरी के मार्ग में कश्मीरी लाल परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर लंगर भी लगाया गया। इस मौके पर कृष्णा रानी, वरुण कुमार, प्रियंका, अश्वनी, मोहनलाल, चरणजीत, योगराज सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
मुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, मां बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान पप्पू ठाकुर से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि जो जीवन में नियमों को मानता है, प्रकृति का सम्मान करता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। वर्तमान में कोरोना महामारी ने इसको सत्य भी साबित कर दिया है कि धैर्य रखने का सुखद परिणाम मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि ठोकर खाकर गिरने वालों को तो कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन जो कर्मों से गिर जाता है उसे कोई नहीं संभाल सकता। तो वहीं हवन यज्ञ उपरांत 30 जुलाई रविवार को मां बंगलामुखी जी को 56 भोग महोत्सव की तैयारियों की चर्चा एवं सेवादारों की ड्यूटियां लगाई गई। इस अवसर पर मोहिंदर शर्मा, राकेश प्रभाकर, सुदेश शर्मा, समीर कपूर, संजीव शर्मा, प्रवीण, रोहित भाटिया, लवली रलहन, बाबा जोशी, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, मैनी, प्रदीप शर्मा, नवदीप, राजीव भारद्वाज, अशोक शर्मा, अश्विनी शर्मा, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, भानु मल्होत्रा, मानव शर्मा, अश्विनी थापर, राजीव, दिशांत शर्मा, जसप्रीत सिंह, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक भनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, रोहित अरोड़ा, लकी, रवि वर्मा, रमन कुमार, जसविंदर सिंह, सुनील जग्गी, प्रिंस, मदन सिंह, अमित शर्मा, ज्योति, सुमित कुमार, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। हवन यज्ञ होने जा रहा सवेरे 8 to 10, उस तो उपरान मां बगलामुखी जी को 56 भोग लगन और साड़ी सारे सेवादारों वालों
समूह संगत नूं करवत प्रार्थना है कि वह हुम हुमा के पहुँचन अपने घरों कोई भी वस्तु बना के लिया सकते हैं बिना लसन प्याज तो, इसलिए कोई भी अपने घरों कुछ भी मिठा नमकीन जो उन्होंने वधिया आता हो कद्दू बना सकता है कोई कोई भी वस्तु बना के महामाई को अर्पित कर सकता है सुचम होवे साफ स्वच्छ बनया होवे और बिना लसन प्याज तो होवे जे घर नहीं बना सकते किसी हलवाई को जाके कोई भी वस्तु महामाई को भेंट कर सकते हैं साड़ी सारे सेवादारा की एक करवत प्रार्थना है अज दिव्य हवन यज्ञ तो बाद जिहड़ा वीरवार ही है उस तो उपरांत ये मीटिंग हुई है सेवादारा की सारे ने जिहड़ियां ड्यूटियां वो अपनी अपनी संभाल लिया इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि सारे सेवादार आप तो घर परिवार के नाल आएंगे पर सारे वालों यही सारे माँ के नाम लेवा संगत अगे बेनती है कि 30 तरीक दिन रविवार को 12 बजे महामाई को भोग लगनगे जिहड़े भोग लगवाना चाहते हो 12 बजे तो पहला 10:30 तक मंदिर च दिओ तां जो महामाई के चरणों के अर्पित करन लई उहनूं सुचजे ढंग दे नाल सजाया जा सके और रखा जा सके साडी फिर सारे सेवादारा की यही करवत प्रार्थना है कि माँ के दरबार से आओ 56 भोग किस तरह लगते हैं वो आके देखो और महामाई का इंतजार सब भक्तों को बेनती है कि 30 जुलाई को 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है सब इतने अपने परिवार सहित आके भाग लैन और महामाई के दर्शन कर बहुत साचे दरबार की जाए अज माँ बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी के जोड़ा कि लम्मा पिंग चौंक के कोल स्थित है उत्थे माँ बगलामुखी जी के निमित हवन यज्ञ किया गया जेडे कि लगातार हर वीरवार किए जाते हैं अच्छ जेठा वीरवार करके जोड़े श्रद्धालु थे वो सवेर तो ही जोड़े मंदिर परिसर से शामिल होने लग पे थे और उन्होंने आहुतियाँ पाई मैं इतने ये भी कहना चाहता कि 30 जुलाई इतवार वड्डा हवन भी है और माँ बगलामुखी जी को 56 भोग भी लगाए जाते हैं सारे श्रद्धालुओं को भक्तों को बेनती की जाती है कि सब परिवार मंदिर परिसर में शामिल हो और माँ के आशीर्वाद लें जयकारा बगलामुखी सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है जिसके पहले दिन दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट और 24 घंटे अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन विजय मंत्र जपया गौ माता के गीत से प्रेरित अखंड ज्योति के इस पावन अनुष्ठान में आप हम सबको सहभागी बनना है ज़्यादा से ज़्यादा भगवत आराधना हो आप हम सब ने प्रयास करने हैं क्योंकि पूर्व में हमारे सभी महापुरुषों ने भगवान की आराधना के द्वारा ही भगवान के भजन के बस से ही सनातन धर्म संस्कृति की गौ माता की बहुत बड़ी सेवा करी है वर्तमान समय में आप हम सबको भी अपने व देश के राष्ट्र के मंदिर के लिए विश्व के मंदिर के लिए माँ भगवती की दुर्गा के पावन रामी में बैठ करके अपने घरों में बैठ करके और छोटे मास के श्रावण मास के पावन पर्व पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना का लाभ प्राप्त करना हो तो आइए हमारे जरिंदर महानगर के बहुत ही धार्मिक संस्थाओं से धार्मिक कार्य गौ सेवा से हमारे श्री प्रवेश जी बबलू जी और सनी जी इनका सभी परिवार जो मां भगवती की कृपा करना प्राप्त करते हुए आज एक बहुत ही सुंदर संकल्प हमारे प्रवेश जी का कहते में सभी परिवार के हृदय में वह है कि पिछले कई सालों से गौ सेवा मिशन देश व पंजाब के निपुण क्षेत्रों में गौ सेवा के लिए प्रयास कर रहे हैं मुझ में तो ऐसी
कोई भी तोड़ नहीं। विराजमान गोसेवी परम पूज्य आदरणीय प्राता वंदनीय गुरुदेव महाराज स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। प्रभु दास का परिणाम स्वीकार कीजिए। मंच पर विराजमान भजन मंडली, जिन्होंने आज स्वामी जी के सन्निधि में आकर एक ही बात कही कि स्वामी जी आप हमें अपनी शरण में लीजिए। बहुत लंबे समय से देवी तलाब मंदिर में, बहुत लंबे समय से देवी तलाब मंदिर में नित्य सुबह सात बजे से संकीर्तन होता है। हमें कल वहां निमंत्रण मिला, हम पहुंचे तो आज ये लोग महाराज जी से मिलने आए कि बोले महाराज जी हमारे मंडल का नाम गो सेवा मिशन ही रख दीजिए। कितना बड़ा समर्पण, क्या तालियां बनती हैं। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगला मुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगला मुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब में आई बाढ़ के चलते 2.5 लाख एकड़ से भी ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर बात की जाए संगरूर की तो वहां एक हफ्ते से घग्गर नदी में आई बाढ़ के चलते 45,000 एकड़ से ज़्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते अब यहां पर 25,000 एकड़ में धान की फसल की दोबारा से बुआई की जाएगी। संगरूर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मस्तुआना साहिब के गुरुद्वारा अंगीठा साहिब के मुखी बाबा दर्शन सिंह जी ने बताया कि उन्होंने 25 एकड़ ज़मीन पंजाब सरकार को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दान में दी थी, लेकिन उस जमीन का विवाद SGPC के साथ चल रहा है। वहां पर मेडिकल कॉलेज तो नहीं बना, लेकिन बाढ़ प्रभावित किसानों के खेतों में धान की बुवाई के लिए 13 एकड़ खेत में धान की अलग अलग किस्म के बीज तैयार किए जा रहे हैं, जो किसानों को बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। पिछले लंबे समय तो 1.5 साल तो पहले भगवंत मान ने ऐलान किया जो 25 एकड़ जमीन देगा उस गुरु मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। उस दे संबंध में 25 एकड़ जमीन जी मस्तुआना गुरुसागर ट्रस्ट को दी गई थी, वो कुछ जमीन सी डिस्प्यूटेड थी श्रोमणी कमेटी नाल, जिस कारण हाल तक वो डिस्प्यूट करके जरा
मेडिकल च नहीं बन सकिया क्योंकि टैक्नीकली प्रॉब्लम करके कुछ पोलीटिकली दखलदाजी करके उस नहीं बन बने जा रहा जिसके संबंध में नेड़े इलाके के लोग जोड़े ने पंचायत ने पिंड ने संघर्ष कर रहे हैं उसे मेडिकल कॉलेज में जमीन दवाने वास्ते शोरूम कमेटी कमेटी दबाव पा रहे हैं परंतु हाल तक वो जी जमीन खाली पई आ हूँ इधर हड़ आन कारण करके इन लोगों के गरीब लोगों के जो राशन लोड़ आ दूजा जो पौ का पनीरी लोड़ आना वही बीजने वास्ते बहुत लोड़ आता जथेबंदियों वालों रल के उन्हें 25 एकड़ जो 20 एकड़ जी पौ का पनीरी गरीब किसान वाली जहाँ ने हाले लेट पानी मुकना पानी खेतों चो उन्होंने वास्ते पौ का तैयार बीज दी गई है इस करके सूँ जरूरी आ कि जोड़े गरीब किसान ने जूर ने जो ने उन्होंने उत्तर पौध बीज दी जाए तो उन्होंने राशन का मुहैया कराया जाए उस जमीन से 25 एकड़ जमीन आ जी रौले की श्रोमणी कमेटी ना उस असी जथेबंदियों ने कट्ठे होकर पनीरी तैयार करके हर पीड़ित भेजने वास्ते तैयार करी हैगी सारिया जथेबंदियों ने बाबा दर्शन सिंह बिच उन्हें बजाई हैगी उस नाल चल रही है वो ये सारे पिंडों के लवे 5-7 पिंड ने जोड़े वो रल मिल के सारी सहायता कर रहे हैं असी घट्टो घट 16 एकड़ च पनीरी ये बीज रहे तो बीजी है अड्डो अड्डी पड़ावों तैयार होगी किस्म ने जड़िया PR 126 की मेन मंग है 11-21 मुछल ये तिने वरायटिया हो PR 126 वध बीजी असी ताकि जी लिकल की बहुत है जी हूँ लगेगी ये अगे जाके उपराला जोड़ा साड़ी संस्था गुरद्वारा अंगीठा साहब मस्तमाणा ये पहला तो ही असी लंगर भी 1 साल दिल्ली ला के रखा थीगा साढ़े सेवादार ने जोड़े वो बहुत इस सिरगर्म रेंदे ने इलाका बहुत संजोग दिंदा सानू इलाके ने किसी ने 1 बोरी किसी ने 2 बोरियां सारे हरेक ने आपका जिन्ना जिन्ना योगदान ती पाया गया जालंधर छावनी के तोपखाना बाजार में JRC के नंद रानी परिवार की ओर से अपनी स्वर्गीय माता रानी जी की याद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन लोगों में वितरित किए गए। इस भंडारे में पारिवारिक सदस्यों सहित तोपखाना बाजार के सभी निवासियों ने अपना विशेष योगदान दिया। ये भंडारा पिछले 9 वर्षों से लगाया जा रहा है। इस मौके पर निर्मल, अशोक गिल, राम सचदेवा, सुखदेव, पंकज, मुकेश, अमित, जैरी, कैरी, श्रेष्ठा सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। अंतरानी निवास के निवासी जो हर साल यहाँ पर अपनी मम्मी की याद में लंगर लगाते हैं और हमें कम से कम 9 साल हो गए हैं इस लंगर को लंगर लगाते हुए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं सभी तोपखाना निवासी और कैंट बोर्ड और सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ जो कि हम अपनी माता जी की याद में जो कि रानी जी उनको स्वर्गवास हुए 9 साल हो गए, हम लगातार 9 सालों से उनकी याद में उनको याद करने के लिए उनके द्वारा जो हमारे साथ किए गए काम है उसको याद करते हुए हम लंगर लगाते हैं और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और सभी लोगों के इसमें स्कूल के बच्चों के लिए हमने तरह तरह के व्यंजन हर बार हम नई नई चीज़ें लगाते हैं ताकि बच्चे पेट के साथ साथ स्वाद का भी मजा ले। नंद रानी निवास की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। सुनाम के राधा अस्पताल में संगरूर बरनाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मारा छापा। मुख्य सरगना और राधा अस्पताल की संचालिका सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अमृतसर के थाना विजयनगर की पुलिस ने न्यूट्री कुलचे की दुकान के मालिक पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल किया बरामद। ढिलवा पुलिस ने चंडियाला गुरु के नजदीक ब्यास दरिया की स्थिति का लिया जायजा। दरिया किनारे रहते गुज्जर परिवारों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।